या वन प्लस ने काफी ज्यादा हाइप बनाई अपने वन प्लस नॉट फोन के लिए, बट इतना कोई खास करा नहीं है वन प्लस ने अपने वन प्लस नॉट के साथ। तो चलिए इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि जो इतनी हाइप बनाई थी वन प्लस ने वो किसी काम की है भी या नहीं है। तो पहले मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा कि आप इसको क्यों परचेस करेंगे या क्यों नहीं परचेस करेंगे। तो ये मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद देखते हैं कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है वो आप मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, आप जैसे ही फ़ोन को देखेंगे ना तो आपको डेफिनेटली Redmi Note 9 सीरीज का ख्याल आएगा, क्योंकि इसके जो कैमराज हैं मेन कैमरा वो वर्टिकल ही हैं, जैसे आपको Redmi Note 9 की जो सीरीज थी या 8 की सीरीज थी उसमें आपको वैसे मिलते थे। अगर हम कैमरा कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट वन प्लस 8 के जैसा है, बट आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस वन प्लस 8 जैसी नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। बट अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरा काफ़ी अच्छा रहेगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और अब सेल्फी कैमरा की बात करें तो डेफिनेटली आपको ये भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 4K तक रिकॉर्डिंग दी गई है, जबकि आपको इस बजट में किसी भी फ़ोन में आपको 4K की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो भी डुअल कैमरा के साथ। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको 19Hz का मिलता है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। बट अगर आप पबजी लवर हैं तो डेफिनेटली आप इसको नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है स्नैपड्रैगन का 765G, जी हाँ ये जो प्रोसेसर है इस गेम को सिर्फ HD ग्राफिक्स तक चला सकता है और हाई फ्रेम रेट तक, जी हाँ एक्सट्रीम या HDR तक नहीं जा सकते हैं हम इस फ़ोन को लेके। तो डेफिनेटली आप अगर पबजी के लिए देख रहे हैं तो आप या तो Redmi K20 Pro देख सकते हैं, जिसकी भी कीमत तकरीबन 25,000 रुपये अभी चल रही है, और या उससे ऊपर बजट है तो आप Realme X3 Super Zoom देख सकते हैं, उसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हैं तो फ्लैगशिप प्रोसेसर ही प्रेफर कीजिएगा। और रही बात बैटरी की, तो बैटरी काफ़ी अच्छी है, 4115 mAh की है तकरीबन। तो और इसमें जो 30W की चार्जिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, वैसे वन प्लस अपना फेमस है चार्जिंग के लिए, तो डेफिनेटली आपको चार्जिंग तो काफ़ी अच्छी मिलेगी। बट इसमें आपको सबसे मेन चीज़ बता दूं, इसमें आपको 3.5 mAh जैक नहीं मिलेगा। जी हाँ, वन प्लस ने अपने काफ़ी सारे ऑप्शन लॉन्च किए हैं वायरलेस ईयरबड्स के, आप वो देख सकते हैं, बट हम उसकी बाद में बात करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो क्या लगता है, जी हाँ आप अगर वन प्लस के फ़ैन हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ऑक्सीजन ओएस चलाना चाहते हैं काफ़ी कम बजट में, मतलब 25,000 रुपये में, तो आप देख सकते हैं, या आपको कोई उससे मतलब नहीं, आपको ब्रांडिंग से मतलब है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बट अगर हम गेमिंग की बात करें तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और रही बात नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए, तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको वीडियो के लिए चाहिए या फोटोग्राफी के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वन प्लस के जो कैमरा सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है। 4 कैमरे हैं मेन में और 2 कैमरा है सेल्फी में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी इस रेंज की किसी और फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन वन प्लस नॉट के ऊपर। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपना ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लगता है वन प्लस नॉट से, या मुझसे कुछ छूट गया है तो वो भी आप मुझसे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम सॉर फ्रॉम टेक्निकली।